नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में 25 नवंबर को 199 सीटों के लिए मतदान होना है। 199, जी हां, राजस्थान में हैं तो 200 सीटें, लेकिन वह पिछले दो चुनाव से 199 के फेर में पड़ा है और इस बार भी यही स्थिति है। 2013 के विधानसभा चुनाव से एंड पहले बीएसपी के एक प्रत्याशी की मौत हो गई थी और 2018 में भी यही हुआ। इसलिए 200 की बजाय 199 सीटों पर वोट पड़े। इस बार गंगानगर की करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत हो गई है, इसलिए 25 तारीख को 199 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर बाद में चुनाव होगा। खैर, यह तो अनहोनी हुई, लेकिन चुनाव का क्या रंग है, क्या मुद्दे हैं, क्या राजनीतिक समीकरण है, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं चुनाव चक्र। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, यानी इस राज्य में कांग्रेस की साख दांव पर है। 2024 में अपनी मजबूत दावेदारी के लिए कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ अपने दोनों राज्य बचाने होंगे, इसलिए कांग्रेस पर काफी दबाव है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट्स के अनुसार अशोक गहलोत सरकार को लेकर जनता के बीच कोई खास गुस्सा नजर नहीं आता, यानी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही, सत्ता विरोधी लहर नहीं है। यही वजह है कि शायद वहां बड़ा शांत चुनाव है। लेकिन बीजेपी भी यहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उसके आला नेता यहां ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। फिर उन्हें राजस्थान के रिवाज का भी कुछ भरोसा है कि यहां हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। खैर, क्या है जमीनी हालात यह बताने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे साथी रिपोर्टर मुकुंद झा, और जयपुर से जुड़ेंगे हमारे साथ लेखक और राजनीतिक विशेषज्ञ संदीप मील। तो स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे साथी रिपोर्टर मुकुंद झा, और जयपुर से हैं हमारे साथ लेखक कहानीकार राजनीतिक विश्लेषक संदीप मील जी। संदीप जी, आपका स्वागत है न्यूज क्लिक में। जी, तो मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा मुकुंद से। मुकुंद, आप राजस्थान के दौरे पर रहे चुनाव के, आपने कई जगह घूमा देखा, तो मैं आपसे पहले यही पूछूंगा कि क्या रंग आपको दिखाई दे रहा है, कैसा चुनाव, कैसे मुद्दे, आप कहां कहां गए और कैसा फीडबैक मिला आपको? मुकुल जी, जैसे हम बताएं, जब हम चुनाव के लिए गए राजस्थान अभी पीछे, तो उसमें सब जयपुर से ही शुरुआत हुई, राजधानी से ही, क्योंकि जयपुर में और कई इलाकों के लोग आए थे, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद हमारा जो था सेखावटी रीजन जहां हम थे, जहां किसानों का आंदोलन बहुत लंबे समय मजबूत रहा है, और पूरा इलाका सीकर, झुंझुनू और ये पूरा इलाका, जो इसमें हम लोग ज़्यादातर समय हमारा वहीं गया। तो इस पूरे इलाके में एक चीज़ तो समझ में आई, चुनाव जो था, जो अभी तक जो खासतौर पर था, बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में भी नहीं है, क्योंकि किसी को ना हराना चाहते हैं लोग, ना किसी को उस तरीके से जिताने का भाव था। तो चुनाव बहुत शांत एक गति से बढ़ता हुआ, हाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकार जो राज्य की सरकार है, उस सरकार के खिलाफ किसी में उस तरह का निराशा या गुस्सा लोगों में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। खासतौर पर गहलोत के खिलाफ तो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही, लेकिन जो नीचे लोकल विधायक हैं उनके खिलाफ हल्की फुल्की नाराजगी कई जगहों पर ठीक ठाक है, वो है। तो इसमें जो जिस एरिया में आप घूमे, जिस क्षेत्र में, उसमें कितनी सीटें हैं लगभग राजस्थान की? लगभग एक ठीक ठाक हिस्सा, इसमें मेरे ख्याल से 20-25 सीटें हैं जिसमें हम लोग गए, इसमें पूरे इलाके में 20-25 सीटों का विधानसभा, तो उसमें हमने कवर किया अपने दौरे के दौरान। तो उस वो पूरा इलाका, उसमें सबसे बड़ा सवाल उस इलाके में जो थे किसानी से जुड़े सवाल हैं, पानी का संकट है वहाँ पे, पानी के अलावा फिर वहाँ फसल बीमा क्लेम, जो बड़ा आंदोलन उस इलाके में रहा है, कई कई महीनों के धरने कलेक्ट्रेट पर रहे, लोग जीत के लाए, तो वो सारे सवाल उस इलाके में उतनी मजबूती से रहे। लेकिन वही सबसे बड़ी बात, सरकार के खिलाफ उस तरीके की जो गुस्सा या नाराजगी है वो नहीं है, मतलब और एंटी इनकम्बेंसी नहीं है गहलोत को लेकर। तो मैं चलूंगा जयपुर अपने वरिष्ठ साथी संदीप मील जी के पास। संदीप जी, आप कैसा देख रहे हैं चुनाव? जैसे हमारे साथी ने बताया कि कोई ऐसी सत्ता विरोधी लहर नहीं है, यानी एक तरह से उनके काम पर, गहलोत के काम से लोग संतुष्ट हैं या खुश हैं। आप कैसा चुनाव देख रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, क्या सवाल है? दरअसल राजस्थान का ये चुनाव बड़ा शांत चुनाव है, बहुत सच कह रहे हैं हम,
कि कोई बहुत सरकार का विरोध नहीं है, विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का दिखाई दे रहा है। और इस चुनाव को भी लोग लोकसभा चुनाव की तरह ही देख रहे हैं। जिस इलाके में जाने की बात कर रहे हैं हमारे साथी, वो उस इलाके में किसान आंदोलन बहुत मजबूत रहे हैं। वो चाहे 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का आंदोलन हो, चाहे पहले बिजली माफी का आंदोलन रहा हो या फसल बीमा का, किसानों के मुद्दे हमेशा से इस इलाके में राजस्थान में बड़े बड़े किसानों के आंदोलन लड़े गए हैं। और इस बार सबसे बड़ा जो आंदोलन लड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा गया। तो ये जो है बीजेपी का किसान वर्ग में एक बड़ा विरोध है, कांग्रेस का वैसा विरोध नहीं है, स्थानीय स्तर पे नेताओं का विरोध है, विधायकों का विरोध है। उनका विरोध की एक वजह है, वो है उनका स्वभाव। विधायक बनने के बाद लोगों से उनका स्वभाव बदल गया, बहुत घमंड और बहुत, या तो अवेलेबल ही नहीं रहे, रहे तो बहुत घमंडी हो गए। क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार भी बहुत कम मेजोरिटी की सरकार थी, मुश्किल जी से 25-25 सरकार थी, तो मजबूरी थी, विधायकों की खुली छूट थी, तो उसका उन्होंने गलत बेजा इस्तेमाल उठाया। जैसे दातारामगढ़ के विधायक हैं, वो कभी ना विधानसभा में बोले, दातारामगढ़ में बहुत ज्यादा पानी की समस्या है, कोई मुद्दा नहीं उठाया, पूरी विधानसभा सरकारी कामों से महरूम रही, ऐसे ही धोध में रहा। इस तरीके से लगभग कई जगह पर, हालांकि इनकी टिकट लोगों ने बहुत उम्मीद देखी थी कि जिन विधायकों का विरोध है उनकी टिकट कांग्रेस काटेगी, मालूम नहीं कांग्रेस किस दबाव में थी, नहीं काट पाई, तो उनका विरोध है। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो कल भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया है, उसमें बीजेपी ने किसी तरीके से कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनका कोई विकल्प नहीं दे पा रही। मसलन चिरंजीवी योजना का कोई विकल्प नहीं है, ओपीएस पे तो बात ही नहीं की है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसमें बीजेपी रणनीतिक रूप से फंसती हुई नजर आ रही है। हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी का जो पूरा रणनीति है राजस्थान के चुनाव में, उसे मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। वो भ्रष्टाचार को भी मुद्दा नहीं बना पाई, पेपर लीक चिल्लाई, लेकिन कोई वो इश्यू नहीं बन पाया। ज्यादा किसानों का जो बात उन्होंने अपने घोषणा पत्र में की है, उसमें कहा कि 2700 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा बढ़ा कर गेहूं की खरीद करेंगे, लेकिन राजस्थान के किसान और इस देश के किसानों की मांग तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाने की है। ऐसी बातें करने से बड़ी हास्यास्पद लग रही हैं। जी, तो मैं आपके पास भी भाजपा रहूंगा। मुकुंद, मैं बीच में आपसे ये पूछूं कि जैसे कांग्रेस के प्लस तो ये बताए हैं काफ़ी योजनाएं हैं जो जनता के हित में आई, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना आई, चाहे वो मुफ्त बिजली का मामला हुआ, फ्री राशन भी है, अन्नपूर्णा पैकेट योजना, और शहरी रोजगार गारंटी योजना गारंटी है, ओपीएस का एक मामला, यानी यहाँ बढ़त उसने ले रखी है। पर भी कांग्रेस के माइनस अगर हम देखें तो जिस तरह की राजनीति भी रही अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, क्या इसका भी कुछ असर होगा, या और कौन से माइनस देख रहे हैं आप कांग्रेस के? कांग्रेस के लिए जो आपने कहा सचिन पायलट और अशोक गहलोत, अगर ये 6 महीने पहले की बात होती तो ये माना जाता सचिन पायलट, सीपी जोशी, डोटासरा इसमें था। लेकिन इस चुनावी मैदान में जैसा कि आमतौर पर हम बीजेपी के लिए देखते हैं, चुनाव से पहले भले झगड़े हो, चुनाव में सब एक हो जाते हैं। राजस्थान में ये चीज़ कांग्रेस के साथ हुई है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, खासतौर पर जो नेतृत्वकारी हैं, उसमें एकजुटता दिख रही है। जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो जो संदीप मील साहब ने बताया, जो स्थानीय स्तर पर विधायकों का हुआ है, जो विधायकों से कड़वैया नाराजगी रहा है जी, उसके, और खासतौर पर टिकट बंटवारे में जो बहुत सारी गलतियां हुई हैं। बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि टिकट कटे काटे जाएंगे, सात पाँच पाँच बार के विधायक हैं, आठ आठ बार के विधायक हैं, उनकी अपनी है पूरी एक सत्ता सत्ता हो गई विरोधी है। लहर है, जी लेकिन उसके बावजूद उनके टिकट नहीं काटे गए, जी जी तो सबसे बड़ी चीज ये है। और जहाँ जहाँ तक ये सारी चीजें जो गहलोत की जो ये गारंटियां हैं, ये इतनी मजबूत हावी हो गई जो बीजेपी के पास विकल्प नहीं मिल रहा है। अभी जो उन्होंने स्कूटी, फ्री स्कूटी की बात कर रहे हैं, जो हम बच्चों को फ्री स्कूटी देंगे, जबकि मुफ्त रेवड़ी खिलाफ पूरा कैंपेन वो लोग चलाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत पहले से मेधावी छात्रों को स्कूटी दे रहे हैं।
तो यही चीजें आप देख लें, चिरंजीवी आयुष्मान भारत जो था वो 5 लाख का कार्ड है सेंट्रल केंद्र सरकार का, वो 25 लाख का इलाज, और आयुष्मान आप ये जो चिरंजीवी योजना है हमको जयपुर से लेकर हर गांव देहात तक एक तरीके से गहलोत के लिए, गहलोत सरकार के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरफ देख सकते हैं। हर जगह इसकी चर्चा, और खासकर अभी 2 महीना पहले ही आई है हालांकि, लेकिन ये बोल सकते हैं चुनावी समय में बहुत बढ़िया तरीके, बाद में कैसी चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन इस समय लोगों में इस योजना को लेकर उत्साह है। और दूसरा सरकारी कर्मचारी का जो वर्ग है, ओपीएस वाला जो सवाल है, ओपीएस का सवाल, राजस्थान पहला एक राज्य था जिसने राज्य कर्मचारियों को ओपीएस बहाल करी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो पूरा कैंप हमने स्टोरी भी करी जहाँ कर्मचारी वो बता भी रहे, ओपीएस बचाने के लिए मतदान हो रहा है, तो सेव ओपीएस जो और स्लोगन उन्होंने जो ओपीएस को लाए हैं उसको लाएंगे, जो बीजेपी का कुंडल ला रहा है उसके काउंटर में। संदीप जी, जैसे मुकुंद ने बताया कि कांग्रेस के पास प्लस काफी है, यानी गहलोत गारंटी मोदी गारंटी पर भारी पड़ रही है राजस्थान के भीतर। ओवरऑल राजस्थान, अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें, 200 सीटें हैं, 199 पर वोट होना है 25 तारीख को, तो कांग्रेस के और क्या माइनस आप देख रहे हैं, बीजेपी के प्लस क्या देख रहे हैं, और बीजेपी की जो खींचतान भी रही, चाहे वसुंधरा राजे वाला एक फैक्टर रहा, इन सबको लेकर आप क्या एक टिप्पणी करेंगे? बीजेपी के प्लस तो अभी यही है कि वो बहुत ताकत लगा रहे हैं चुनाव में, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं चुनाव में, बहुत बड़े बड़े तरीके से मैनेजमेंट की टीमों को उन्होंने इसमें झोंक रखा है। एक चीज जो बीजेपी के पक्ष में है कि वो अपने बागियों को मैनेज कर रही है। कांग्रेस के बागी अगर मैनेज नहीं हुए तो बहुत सारी सीटें बागी खराब करके बीजेपी को जिता देंगे। देखिए, एक राजस्थान में 20-30% वोट ऐसा होता है जो दोनों पार्टियों को नहीं जाता है, उसमें हमारे वामपंथी दल के साथ ही जीत के आते हैं। पिछली बार भी सीपीएम ने 2 सीटें पाई राजस्थान में। हाँ, और अब तो कई सीटों पे बहुत अच्छी स्थिति में सीपीएम दिखाई दे रही है, आरएलपी बहुत सीटों पे अच्छी पोजीशन में है। तो अगर कांग्रेस ये नहीं कर पाई अपनी अंडरस्टैंडिंग बाकी लोगों के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से कई सीटें हराने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस का पॉजिटिव ये है कि कांग्रेस में एकता दिखाई दे रही है, बीजेपी में बिखराव दिखाई दे रहा है। और अगर हम बीएसपी की बात करें, जैसे बीएसपी के पिछली बार करीब 6 विधायक थे शायद जो जीते थे और फिर कांग्रेस में मिल गए, बीएसपी का क्या रोल है, आरएलडी भी वहाँ रही, तो ये जो दूसरी पार्टीज हैं और निर्दलीय जो हैं उनका क्या आपको दिखाई दे रहा है रोल? देखिए, बड़ी संख्या में आएंगे दोनों पार्टियों के अतिरिक्त भी लोग। बीएसपी का 2-3% वोट राजस्थान में रहता है, पीछे की ट्रेंडिंग हम देखें तो वो 2-3% वोट जीतने में इस बार कामयाब नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसे नेताओं को टिकट नहीं दे पाए जिन नेताओं का जनाधार हो, लेकिन कुछ हराने में योगदान दे सकती है कुछ सीटों को। इधर ट्राइबल पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दिखाया है, तो वहां उन इलाकों में वो भी सीटें लेकर आएगी, तो उसका अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देगा। साथ ही ये जो आरएलपी है इसका भी अच्छा रहेगा। आरएलपी की एक सीट गठबंधन में कांग्रेस ही वो है, सुभाष गर्ग की भरतपुर की, वो सीट खुद की खतरे में उनकी दिख रही अच्छा, है। इसमें मैं पूछूं, जैसे ओपीएस का एक मास्टर स्ट्रोक था गहलोत साहब का, जैसे जाति जनगणना वाला भी एक गांव उन्होंने चला, इसका भी कुछ इम्पैक्ट वहां दिखाई दे रहा है? बहुत असर उसका दिखाई दे रहा है पढ़े लिखे लोगों में, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी बहुत प्रभावी है और ओबीसी राजनीति को निर्धारित करने वाले उस कारकों में भी है राजस्थान में, तो उसका असर पड़ेगा, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव जाएगा। अब क्योंकि राजस्थान के ही हैं तो एक महिला सुरक्षा का मुद्दा रहता है, बीजेपी भी बड़े जोर शोर से उसे उठा रही है, एक लाल डायरी वाला भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उसने उठाया, इन दोनों मुद्दों पर छोटी टिप्पणी। देखिए, लाल डायरी तो ऐसा है कि जिस दिन राजेंद्र गुड्डा जीतेगा, तो गुड्डा जीतते ही उसको तो किसी भी वापस कांग्रेस में भी शामिल हो सकता है, उसको मंत्री बनना है, उसको सत्ता में रहना है, तो लाल डायरी तो एक तरह का कुछ नहीं है उसमें। बाकी रही बात ये महिलाओं की सुरक्षा की, वो सवाल है, वो दोनों पार्टियों के लिए सवाल है, वो हमारे समाज के लिए सवाल है, और अगर पार्टियां गंभीरता से उस पर काम नहीं करेंगी तो हो सकता है आने वाले समय में दोनों पार्टियों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़े। दलित उत्पीड़न भी एक इश्यू है। ओवरऑल हेडलाइन आप क्या देंगे, अगर हम पूछें कि राजस्थान का चुनाव क्या, तो आप अपने तौर पर क्या एक हेडलाइन देंगे?
बिखरी हुई भाजपा जबरदस्ती कोशिश कर रही है चुनाव जीतने की। जी, आप हमसे जुड़े बहुत शुक्रिया। और बस हम अंतिम सवाल फिर मुकुंद से लेते हैं। मुकुंद, जैसे आपने ये कांग्रेस के प्लस बताए, बीजेपी के प्लस आए, माइनस आए, ओवरऑल आप राजस्थान को लेकर क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस ने बढ़त बना ली है आमतौर पर? नहीं, ये चुनाव इसी मायने में है, आपको सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर दिखे ना, लेकिन इसके बावजूद ये चुनाव इतना आसान किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये दोनों पार्टियों के लिए। आप देखें जो खासतौर पर जो छोटे छोटे फैक्टर है इस चुनाव में, आपको बीएसपी का रोल भी अहम दिखने वाला है, भले उसका वोट बैंक कम रहने वाला है, और खासकर जो आदिवासी बेल्ट में दक्षिणी राजस्थान में जो बाप पार्टी का है, जो बीटीपी से अलग होकर बने, इनका असर ठीक ठाक होने वाला है, क्योंकि इसमें गहलोत से भले नाराजगी ना हो, लेकिन लोकल लेवल पे, और ये कहा भी जाता है राजस्थान के इलाके में, लोग किसी को जिताने के लिए वोट नहीं डालते, लोग हराने के लिए वोट डालते। तो ये जो है ये कई इलाकों आमतौर पे वहां एक रिवाज का भी मामला दिया जाता है कि 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। लोग चाहते हैं जो गहलोत सरकार आए, लेकिन चाहते हैं ये विधायक हार जाए। वसुंधरा राजे फैक्टर है कुछ? वसुंधरा बीजेपी के पास अगर एक मजबूरी उनकी यही है, जो किसी भी हाल में अगर एक मास लीडर है तो वसुंधरा राजे, भले उन्होंने इतने बड़े बड़े नेता उतार दिए, कोई एक नेता ऐसा नहीं जो अपनी विधानसभा छोड़कर दूसरी विधानसभा में 2% 1% वोट भी इफ्लेक्ट, इसीलिए बीजेपी की मजबूरी आखिरी में हो गई, वसुंधरा को आगे करना ही करना पड़ रहा है। इतने चलिए, लोग तो करने के पच्चीस बावजूद 25 तारीख को, 25 नवंबर को वोट पड़ेंगे, और मौका मिला तो शायद एक बार और हम बैठें और बात करें राजस्थान के चुनाव पर, और परिणाम के दिन तो हम बैठेंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने सुना अभी हमारे साथी रिपोर्टर मुकुंद झा को, जो पिछले दिनों राजस्थान के दौरे पर थे, और जयपुर से आपने सुना राजनीतिक विशेषज्ञ और लेखक संदीप मील जी को। दोनों के अनुसार ये बहुत शांत चुनाव है, सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, स्थानीय विधायकों के लिए थोड़ा बहुत गुस्सा है, अब वो किस तरह मैनेज होता है, किस तरह से आगे चुनाव बढ़ता है। और संदीप जी ने जो कहा कि एक तरह से जनता लोकसभा चुनाव की तरह इस चुनाव को देख रही है, और इसमें गहलोत गारंटी, एक तरह से मोदी गारंटी पर भारी पड़ रही है। अब देखना होगा कि 25 तारीख को मतदाता ईवीएम में कौन सी किस पर बटन दबाते हैं, और 3 दिसंबर को परिणाम आने ही हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे, आप हमसे जुड़े। शुक्रिया।